भगवान की भक्ति से दूर है, उनको भगवान की भक्ति वापस लाने के लिए उन्होंने संन्यास लिया। ऐसे वंदे महापुरुष चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष के चरणों की वंदना करते। तो महाप्रभु ने संन्यास सिर्फ एकमात्र लिया हम सबके उद्धार के, क्योंकि चतुर्मा को संन्यास लेकर लोग उनको आदर दे सकते थे और उनकी शिक्षाओं का पालन कर सकते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना हमारे लिए कृष्ण के आश्रय लेने से भी ऊपर है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें राधा कृष्ण मिल सकते हैं। लोगों को ये नहीं पता है तो अधिकांश लोगों को भाग्य दुनिया नहीं पता, लेकिन जब तक आप गौ नेताए का आश्रय नहीं ले सकते आपको राधा कृष्ण नहीं मिल सकते, उन्हीं के माध्यम से मिल सकते, उनके बिना नहीं मिल सकते। क्योंकि राधा कृष्ण को वैसे प्राप्त करना लगभग असंभव, जब ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुए, बड़े बड़े संत ऋषियों को नहीं हुए, तो आप और मैं किस खेत की मूली। ये चैतन्य महापुरुष राधा कृष्ण उनको दे रहे हैं जो कि जगाई मदाई जैसे अत्यंत पापी व्यक्ति भी है, जैसे मुझे बताया था कि पापी तापी शराबी और कबाबी, ऐसे सारे लोगों को चैतन्य महापुरुष राधा कृष्ण ऐसे ही दे। इसलिए गौ नेताए का आश्रय लेना मैंने सबसे महत्वपूर्ण। तो जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो विष्णुप्रिया ने एक नीम के फिगरे बनाए और उनकी पूजा की। और विष्णुप्रिया माँ कैसे अपना भजन करती थी, उस विग्रहों को सामने रखकर वो जप करती थी और क्या करती थी, हर हरे कृष्ण महामंत्र पे एक चावल का दाना रखती थी। तो उनके पास दो पतीले थे, आप ही ट्राई कीजिएगा आज, दो पतीले रखिएगा, जितने आप हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे उतने चावल के दाने रखिए। तो वो 9 घंटे जप करती थी और जितने चावल इकट्ठे हुए 9 घंटे के बाद एक ही बार वो चावल को बनाती थी और उसके बाद फिर सुग्रहण करती थी, और फिर दिन में सिर्फ 2 घंटे सोती थी और उन शिव विग्रहों की सेवा करती थी। तो 16 साल में महाप्रभु ने उनको संन्यास दिया और वो 96 ईयर्स थे वे, 80 साल उन्होंने महाप्रभु के उन विग्रहों की सेवा की, जिसको हम जाके देखेंगे। वहाँ महाप्रभु के पादुकाएँ भी हैं, जब महाप्रभु पहनते थे तो उसको अपने माथे पर लगा सकते। इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं 80 साल तक हर हरे कृष्ण महामंत्र के चावल का दाना लेके उतना ही चावल खाएं और 9 घंटे हर रोज भजन करें और कुछ और ना करें? ये एक सन्यासी का ही जीवन है, है? आपको लगता है कि हम ऐसा जीवन जी सकते हैं? कितने लोगों को लगता है, हाथ खड़ा करो। तो ये तो मुक्त व्यक्ति ही कर सकता है। हम अगर भजन ज़्यादा करते भी तो एक भौतिक इच्छा से करते हैं। अगर हम माला बढ़ाते हैं तो मन में ये आता है कि प्रभु जो है वो बढ़िया से व्यापार में पैसा नहीं आ रहा, आजकल मंदी चल रही है, श्रीलंका तो देश ही डूब गया, पाकिस्तान डूबने के कतार पे है, पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस है, मालिया बढ़िया ढंग से होगी तो ऑर्डर जो दिए हुए हैं वो पैसे भी रिलीज होने जल्दी शुरू होंगे और पैसे भी बढ़िया से प्राप्त हो जाएंगे। या फिर बड़ी कोशिश हो रही है कि बिटिया की शादी नहीं हो रही है, मेरे पास एक परिवार आया, मैं 2 बच्चों को लेकर, बड़ा समृद्ध परिवार था, तो मिलने के लिए आया तो कहने लगा कि प्रभु जी आपसे प्राप्त, क्या प्राप्त? तो उन्हें कहा ये मेरी बड़ी बेटी है, ये छोटा बेटा है, तो इन दोनों की शादी करानी है। तो मैंने कहा कि दोनों की क्या उम्र है? तो बेटी 42 साल की है, बेटा 41 साल का। तो अब आप इन दोनों के लिए बिटिया के लिए बेटा ढूंढ लिए, बेटा के लिए बिटिया ढूंढ लिए। मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने अपने लिए भी नहीं ढूंढा तो इनके लिए कैसे ढूंढ लूंगा तो लोगों की इच्छा होती है, बेटी की शादी होना बड़ा मुश्किल होता है, सही लड़का मिल जाए, सही लड़की मिल जाए। तो इसलिए हम जब बढ़ाते भी हैं, भजन भी बढ़ाते हैं, तो भौतिक इच्छा से, भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं। उनकी एक ही था, देखिए महाप्रभु को हरिनाम अच्छा लगता तो उनकी प्रसन्नता के लिए सर, उनका पूरा जीवन उनकी प्रसन्नता के लिए था, और किसी की प्रसन्नता के लिए नहीं था। यही असली शुद्ध भक्ति यही है कि भगवान की प्रसन्नता, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो भगवान सब कुछ दे ही देते हैं। एनी हाउ, तो इस टाइम एक महत्वपूर्ण शिक्षा में ये मिलती है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी कहते थे सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। भगवान गीता में कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया पारित चेतसम व्यवसात्मक अपूर्ति समदोन विद्य। अगर हम भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहे और सोचें हम भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे तो यह असंभव है।
क्यों? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपारिता चेतसा, क्योंकि भोग ऐश्वर्य हमारी चेतना को अपहरित कर लेता है, किडनैप कर लेता है। व्यवसात्मिका बुद्धि, फिर हमारा मन भगवान पे नहीं लग पाता। तो हमारे लिए तपस्या क्या है? हमारे लिए तपस्या एक ही चावल का दाना नहीं, हमारे लिए तपस्या चार नियम, 16 माला का जप है और चार नियम, इतनी ही तपस्या है। बाकी तो हमारे लिए चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग का प्रोसेस दिया महाप्रभु ने। आप बताइए कैंप में आए तो हमारे तपस्या ये थी क्या? मंगल आरती में उठें, चार नियम हैं, चाय कॉफी प्याज लहसुन से बचें, जो भागवत में धर्म के स्तंभ हैं उसका पालन करें, और 16 माला का जप करें। और वो भी कैसे करना है? कीर्तन करते हुए आप भगवान का नाम लें, भगवान को अर्पित प्रसाद लें, और साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाएं। जैसे कोई भक्त डॉक्टर हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, कोई इंजीनियर हैं, तो अपने कर्तव्य भी निभाइए अच्छी तरीके से, आप अपने घर को भी चलाइए, अपने व्यवसाय को भी कीजिए, परिवार का भी ध्यान रखिए, लेकिन इन चीज़ों को पालन करते हुए, चार नियम, 16 माला, मंगल आरती, इसको करते हुए आप भौतिक जीवन में भी सफल रहेंगे, आध्यात्मिक जीवन में भी सफल रहेंगे। ये शिक्षा हमें विष्णुप्रिया माता से हमें मिलती है। ये इस पे एटलीस्ट इस स्टैंडर्ड पे आना चाहिए। अगर हम चार नियमों के स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकते हैं, 16 माला के स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकते, तब हम मनुष्य जीवन भी शुरू नहीं हुआ, तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। इस स्टैंडर्ड में हमें भक्तों की मदद से आस्ते आस्ते आना चाहिए, विद देयर हेल्प, देन वी आर सेफ। इतनी ही तपस्या करनी है, कोई नहीं आपको बोलेगा कि आपको पर्वत में जाके एक पैर पे खड़ा होना, बर्फ के नीचे सर्दी में स्नान करना है, गर्मी में सूर्य के नीचे आग जला के बैठना है, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। कितना ही बोलेगा कि प्रभु जी 16 माला का जप कर लीजिए, चार नियमों का पालन कर लीजिए, हर हफ्ते क्लास में आ जाइए, श्रवण कर लीजिए, भक्तों का संग कर लीजिए। उसमें भी क्या है? कीर्तन है, सुंदर प्रसाद है, भगवान की शिक्षा, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ें। ये महत्वपूर्ण बात है। और जो तीसरा है वो है प्रौड माया और शिवा। तो हम तीसरे दर्शन करके वापस जाएंगे। तो प्रौड माया कौन है? प्रौड माया योग माया। तो भगवान की जैसे बिजली है, वो एसी में आती है तो ठंडक करती है, पीछे लंगूर है ध्यान से, और जो गर्मी करती है वो कुछ शायद नहीं करेगा, तो आप परेशान मत होइएगा। कोई भक्त मैनेजमेंट से जाकर लंगूर देव को पर छड़ी दिखा सकते हैं ताकि वो तो आप में से कोई एक डिवोटी जाके उनको अलग कर सकते हैं। तो आप एक जाइए, एक भंग चले जाइए, नहीं ज्यादा पास में मत जाइए। ठीक है ठीक है, थैंक यू, मैनेजमेंट टीम ने अच्छी सेवा कर ली है। ओके ठीक, अब नहीं आएगा पब्लिक, उसका काम हो गया अपना। तो अब हम प्रौड माया के दर्शन करेंगे। तो प्रौड माया में, प्रौड माया कौन है? तो प्रौड माया जो है वो योग माया है। तो भगवान की वही शक्ति जैसे बिजली एसी में जाके ठंडक करती है, हीटर में जाके गर्म करती है, तो भगवान की एक शक्ति है जो बहिरंगा शक्ति है, लोगों को भगवान से दूर करती है। एक शक्ति है योग माया की जो लोगों को भगवान से जोड़ती है। तो जो प्रौड माया है वो योग माया है, और जो शिवजी हैं वो क्षेत्रपाल के रूप में। तो क्षेत्रपाल में शिवजी क्या करते हैं, ये समझने वाली बात है। तो शिवजी और माया देवी का क्या काम है यहाँ पर धाम में? धाम तो भगवान का है, वो सेवा के रूप में यहाँ पर क्यों है? वो इसलिए यहाँ पर सेवा के रूप में क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो व्यक्ति धाम में आ गया लेकिन उसके हृदय में भक्ति नहीं है, जो धाम में आ गया लेकिन वैष्णो के मार्गदर्शन में नहीं, जो धाम में आया भौतिक इच्छाओं के साथ आया, तो शिवजी और माया देवी क्या करते हैं कि उनको धाम की महिमा से वंचित रखते हैं। तो धाम में तो आएंगे लेकिन वो धाम महसूस नहीं होगा, उनको लगा कि ये भी बंगाल का एक साधारण सा गांव, भारत में ऐसे लाखों गांव और ना जाने लोग किस किस को धाम मानते हैं, तो वो यहाँ पर आएगा जरूर लेकिन उसको कुछ महसूस नहीं होगा, और आने के बाद भी वो कोशिश करे जल्दी से यहाँ पर निकला जाए वापस किया जाए। यहाँ पर आकर असली आनंद उसी को मिलेगा, असली धाम की महिमा उसी को परिचय होगा जो कि वैष्णव के मार्गदर्शन में, जो कि भक्ति का पालन करता है और
वैष्णव के आदेश अनुसार धाम में आके धाम की सेवा करने के लिए यात्रा में जुड़ता है। ये तो लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये तो किसी भी भारत के गांव के जैसे समान है। तो क्या बड़ी बात है, ये तो देखो वैसी टूटी हुई बिल्डिंग है, वैसे आपको नाले दिखाई देंगे, लंगूर सुअर बंदर दिखाई देंगे, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लोग वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में क्या दिखता हूँ, या तो गंदगी दिखेगी, वृंदावन का रज नहीं दिखेगा, गंदगी दिखेगी, नाला दिखेगा, बंदर दिखेंगे, सुअर दिखेंगे, शोर शराबा दिखेगा, गाड़ियों का हॉर्न सुनाई देगा, और अगर कुछ अच्छा भी दिखाई देगा तो मलाईदार लस्सी दिखाई देगी, पकौड़े तलते हुए दिखाई देंगे, समोसे दिखाई देंगे, मथुरा का पेड़ा दिखाई देगा। उसी को आएंगे वृंदावन, आएंगे लस्सी पियेंगे, पकौड़े खाएंगे और मथुरा के पेड़े घर के ले जाएंगे और वापस को आएंगे। जो धाम का असली महत्व है वो तभी होता है जब वैष्णो से हम धाम की महिमा सुनते हैं। इसलिए मैं ओरिएंटेशन क्लास किया, क्योंकि आप धाम को दे नहीं सकते। भगवान गीता में कहते हैं ना हम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावेता मूढ़म अभी जानाती लोको मजम अभ्य। भगवान कहते ना हम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावेता, योग माया समावेता। भगवान गीता में कहते हैं मेरी योग माया से मैं और मेरे से जुड़ी हुई चीजें सब ढक जाती। ना हम प्रकाश्य सर्वस्य, वो प्रकाशित ही नहीं होती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए आपने और मैंने कृष्ण को नहीं देखा, दुर्योधन ने तो लगभग रोज ही देखा। मैं कितना समझ लिया दुर्योधन ने कृष्ण को बताई, वो तो बंदी बनाने जा रहा था कृष्ण को। कृष्ण को छलिया बोलता था कि ये योगेश्वर है, जादू करना जाने। वो साक्षात देखा था आपने, मैंने तो साक्षात भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमारे दिल में भक्ति है, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय, उनकी परंपरा में भक्तों के आश्रय। तो सिर्फ भगवान को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम भक्तों से सुनते हैं और हमें भक्ति प्राप्त होती है, उस भक्ति से जब देखते हैं तब भगवान दिखते हैं। सिर्फ इन आंखों से नहीं देखेंगे आप, वो तो शिशुपाल ने भी देखा था, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु था भगवान। दुर्योधन ने भी देखा था, दंतवक्र ने भी देखा था, पौंडित ने भी देखा था, लेकिन सब भगवान के शत्रु थे। लेकिन मजेदार बात यह है, जिसने महाप्रभु को देखा, जिसने कृष्ण को देखा, तो उसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन जिसने महाप्रभु को देखा, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा धोखेबाज व्यक्ति क्यों ना हो, कपटी व्यक्ति क्यों ना हो, महाप्रभु को देखकर उसको भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति करता। हरि हरि बोल। ये महाप्रभु को देखा, क्योंकि जैसे राधा रानी करुणामयी, पूर्ण शरीर करुणा का, जब भगवान ने राधा रानी का भाव लिया, जो राधा रानी को देखता था, दुर्योधन अगर राधा रानी को शायद दर्शन कर पाता तो वो परिवर्तित हो जाता। लेकिन राधा रानी का तत्व बहुत गुह्य है, लेकिन महाप्रभु ने उस गुह्य तत्व को सबके सामने रख दिया, सब उसका फायदा ले, सब उसका लाभ ले। तब वही कृष्ण राधा रानी के भाव को लेके आए, तो वही राधा रानी की कृपा सभी को दिया, जगाई मधाई को भी दिया, जानवरों को भी दिया। आखिरी आपको बात बताता हूँ, समय हो गया। तो शिवाज ठाकुर के घर में एक कुत्ते भी थे, बिल्ली भी थे, घर में नहीं थे, बाहर थे, और एक उनका मुसलमान दर्जी भी था। तो क्योंकि शिवाज ठाकुर महाप्रभु को इतने प्रिय थे, तो महाप्रभु ने शिवाज ठाकुर को कहा, महाप्रभु ने शिवाज ठाकुर को कहा कि शिवाज तुम मुझे इतने प्रिय हो, क्योंकि वो जो तुम्हारे घर में कुत्ता है, क्योंकि वो तुमसे जुड़ा हुआ है कैसे तरीके से भी। कुत्ते का क्या लिंक था कि वो उसके उनके पड़ोस में रहता था, ये उसकी क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन थी, जिस गली में शिवाज ठाकुर रहते थे उस गली में वो घूमता था, ये क्वालिफिकेशन थी। शिवाज ठाकुर से उसका ये जुड़ा हुआ था। महाप्रभु ने कहा क्योंकि वो कुत्ता तुम्हारे से जुड़ा हुआ है, चाहे इसी तरीके से जुड़ा है, मैं उस कुत्ते को भी भगवतधाम ले जाऊँगा। हरि बोल। और एक दर्जी था, मुसलमान दर्जी था, मुसलमान यावन बोलते हैं, सब कुछ खाते, गाय का मांस खाते और सारे ऊंच नीच काम करते हैं, वैदिक शास्त्रों को मानते नहीं, भगवान को नहीं मानते, विग्रहों को बुद्ध परस्ती बोलते हैं कि ये कोई विग्रह में ठाकुर नहीं है, विग्रहों को नहीं मानते। लेकिन वो दर्जी क्योंकि शिवाज ठाकुर की सेवा करता था, इसका मतलब ये नहीं मैं मुसलमानों को अनादर कर रहा हूँ, मैं उनके कल्चर को बता रहा हूँ। वैदिक सभ्यता के अनुसार उनको यावन माना जाता है। आदर तो हम चींटियों को भी देते हैं, तुम किसी और को क्यों नहीं देते।
लेकिन मैं वैदिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, क्योंकि वो दर्जी शिवाज ठाकुर के कपड़े दर्जी करता था, उनकी सेवा करता था। तो एक बार जब चित्रमाऊ संकीर्तन कर रहे थे तो दर्जी ने देखा कि महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। तो जैसे ही महाप्रभु ने दर्जी को देखा, क्योंकि वो दर्जी शिवाज ठाकुर की सेवा करता था, महाप्रभु उसके सामने आए और उसको त्रिभंग रूप दर्शित किया, कृष्ण का रूप दिखाया महाप्रभु ने उस दर्जी को। तो दर्जी ने जैसे सिर्फ उस दर्जी को दिखाई दिया, किसी को दिखाई नहीं दिया और तो जैसे दर्जी ने देखा तो दर्जी जो है वो आनंद से नाचने लगा और बोलने लगा, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है। किसी को समझ में नहीं आया किसने क्या देख लिया है। स्वयं त्रिभंग रूप श्याम सुंदर के दर्शन कर, और वो दर्जी फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक अनन्य भक्त बना और उनके अंतरंग पार्षद में उसका नाम गिना गया। उसकी क्या योग्यता थी? शिवाज ठाकुर की वो सेवा करता बस। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हो सकता है कि हम अपनी भक्ति से, अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम श्रील प्रभुपाद जी से जुड़ जाएं, अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़ जाएं, प्रभुपाद जी को हमें दिन में धारण कर लें, प्रभुपाद जी की सेवा कर सके, उनके जो अनुयायी भक्त हैं उनसे जुड़ जाएं, उनका आश्रय ले लें, उनकी सेवा करें, उनके आज्ञाओं का पालन करें, तो हम अपनी भक्ति से ना, चाहे ना भी योग्य हों, नाम के प्रति अपराध भी करते हों, त्रुटि भी करते हों और बहुत सारी गलतियां भी करते हों, लेकिन अगर प्रभुपाद जी से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि महाप्रभु प्रभुपाद का अनुयायी समझ के बड़ी आसानी से हमें स्वीकार कर लें। आखिरी बात बताता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए तो उनके गुरु ने आदेश दिया था कि सब भक्तों को कम से कम 64 माला का जप करना। तो प्रभुपाद जी ने यही आदेश दिया कि सारे लोगों को, जितने भी लोग इस यात्रा में आए, आज से 64 माला का कम से कम जप होगा तो प्रसाद सेवा दी जाएगी, कूपन से पहले पूछा जाएगा, हे प्रभु, हे माता, माला दिखाओ कितनी माला हुई है, संख्या पूरी हुई नहीं हुई, 64 संख्या पूरी होगी तो कूपन मिलेगा। पता चले भक्त लोग रात को भी प्रसाद नहीं मिल पा रहा था, संख्या नहीं पूरी हो गई। तो 64 माला का नियम था तो सबने मना कर दिया, संभव ही नहीं हमारे लिए। तो बने का ठीक है 32 माला का नियम, प्रभुपाद जी 32 भी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल, ठीक है 16 एंड फाइनल, 16 माला सबको करना पड़ेगा। तो किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपके गुरु ने 64 माला का जप दिया, क्योंकि महाप्रभु बोलते थे जो 100,000 नाम का जप करता है मैं तभी उसी व्यक्ति के हाथ से कुछ ग्रहण करता हूँ, आप 16 पे कैसे देते, एक चौथाई कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों में तो कोई उल्लेख नहीं है, महाप्रभु ने जब खुद बोला 100,000 नाम तो भक्ति सामान्य तो उसी आधार पे बोला 64 माला। तो आपका आधार क्या है 16 माला का? 16 माला को ऐसे नियम तो नहीं। श्री प्रभुपाद जी ने कहा मेरे जो गुरु महाराज है ना, आध्यात्मिक जगत की दरवाजे की चाबी गुरु महाराज के पास है। तो अगर सामने वाला दरवाजा का ताला खोलना होता है तो मैं गुरु महाराज खोलते हैं, लेकिन मेरे पास आध्यात्मिक जगत की पिछले दरवाजे की चाबी, उसको खोल के पूरे संसार को गोलोक धाम ले जा सकता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णवंद की जय, हरिवंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि प्रभुपाद जी का आश्रय। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। तो प्रौढ़ माया जो है वो योग माया है। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है, भौतिकवादी लोग हैं, तो योग माया क्या करती है? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्त। तो इस योग माया शक्ति क्या करती है? धाम को ढक देती है। तो उनको धाम में वही चीज दिखाई देगी जिससे वो धाम से दूर जाए, क्योंकि उनके लिए स्थान नहीं है। आपको जाना ना कलकत्ता जाइए, आप कलकत्ता में सब कुछ मिलेगा आपको, 5-star रेस्टोरेंट चाहिए थोड़ो कलकत्ता, आपको डिस्क चाहिए गो टू कलकत्ता, आपको लग्जरी चाहिए गो टू दिल्ली, गो टू न्यूयॉर्क, गो टू फ्लोरेंस, गो टू सैन फ्रांसिस्को, वहाँ जाइए आप, यहाँ क्या करना है। तो यहाँ पर उनको सारी चीज़ें दिखाई देंगे जिससे वो यहाँ से दूर जाए, लेकिन जो जिनके हृदय में भक्ति है तो भगवान को चाहते हैं, वो कण कण में भगवान देखेंगे उनको हर जगह वैष्णव दिखाई देंगे, उनको कीर्तन दिख सुनाई देगा,
उनको हर पल पर उनकी आँखों में से आंसू गिरे, उनको महाप्रभु की महिमा का स्वादन करें और उनके लिए हर समय यहाँ पर चिंतामणि से भी ज़्यादा कीमती होगा। जब वो स्थान को छोड़ेंगे तो उनसे विरह होगा, स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये योग माया का काम है।